हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य करेंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 3 मार्च 2022, क्रमांक संख्या 37, आज की कार्यपत्रिका कक्षा 5 की है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। ये 7वां सप्ताह की वर्कशीट है। विषय थीम है आपसी सामंजस्य। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, पहेलियां सुलझाना एक मजेदार गतिविधि है। आइए हम भी इस पहेली का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहेली से जुड़ी हुई एक गतिविधि दी गई है, चलिए उसे खोजते हैं उसका उत्तर। बच्चों क्या दिया हुआ है? जान बूझ कर बूझी एक पहेली आज, पहेली में छिपा है एक गहरा राज। समझ समझ कर तुम समझ जाना, जान जाओ तो झट से ताली बजाना। ये दो बकरे जंगल में न्यारे, बलवान इतने किसी से ना हारे। पड़े जब उलझन में घोर, ताकत का चला न जोर। फंस गए क्योंकि पुल था सकरा, कैसे जाए उस पार कूदने में था खतरा। तो यहाँ पे देखिए ये दो बकरों की कहानी दी गई है, पहेली, जो दोनों ताकतवर थे। जंगल में वो न्यारे थे और बलवान थे। कितने थे? बलवान थे। और वो किसी से नहीं हारते थे, और जब वो उलझन में पड़ गए तो वहाँ पर ताकत भी बच्चों काम नहीं आई, क्योंकि पुल में वो दोनों फंस गए और पुल इतना सकरा था कि कूदने में खतरा था। तो चलिए इस पहेली का हल ढूंढते हैं बच्चों, क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं आगे। एक जंगल में पोगो और जोगो नाम के दो बकरे रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से प्रतिदिन मिलने आते थे। पोगो एक पुल को पार कर रहा था और उसी समय सामने से जोगो आ गया। दोनों बकरे पुल के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे। पुल इतना पतला था कि किसी के लिए पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं था। दोनों दुविधा में पड़ गए कि वे इस पुल को किस प्रकार पार करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये दो बकरे जो हैं, यहाँ से पोगो और यहाँ से जोगो दोनों आ गए और दोनों बीच में ही पुल के खड़े हो गए। तो ना पीछे जा सकते हैं ना आगे। तो पुल क्योंकि बहुत सकरा था, यानी बहुत पतला, इस तरह से ये देखिए बहुत पतला था, तो ये पीछे भी नहीं जा सकते थे ना आगे। तो ये किस तरह से बच्चों पुल पार करेंगे? क्या कोई इस पहेली का हल निकाल सकता है? चलिए देखते हैं क्या है हल। ए, दोनों बकरे में से जो नाम का बकरे ने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है कि मैं बैठ जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर से चले जाओ और हम इस प्रकार पुल पार कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ये दो जोजो है, ये वाला जो जोजो है, इसने कहा मेरे पास एक तरकीब है तो मैं बैठ जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर से पार करके चले जाओ, मेरे ऊपर से चल के चले जाओ ताकि हम इस पार उस पार चले जाएं दोनों। तो इस तरह से उन्होंने पुल पार कर लिया बच्चों। ये थी पहेली का हल। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। प्रश्न एक था, प्यारे बच्चों बताइए कि दोनों बकरे बिना पीछे हटे किस प्रकार पुल पार करेंगे। तो वो मैंने आपको बताया था कि पोगो नागरे ने तरकीब सुझाई कि तुम मैं नीचे बैठ जाता हूँ और तुम मेरे ऊपर से चले जाओ, तो इस तरह से हम पार कर लेंगे। दूसरा देखते हैं, बच्चों आपके भी कोई मित्र सहेली जरूर होंगे, तो चलिए आप अपने मित्र प्रिय मित्र सहेली की विशेषताएं बताएं। यहाँ पे आपको खुद से करना है, आपके मित्र या सहेली होंगे तो आपको उनकी विशेषताएं बतानी हैं। तो आपके मित्रों की कौन कौन सी विशेषताएं, या आप खुद करिए। चलिए मज़ेदार गतिविधि, अगर आपको जंगल घूमने का मौका मिले तो आप कौन से जानवर को देखना पसंद करेंगे और क्यों? तो यहाँ पे भी आपको ये गतिविधि खुद से करनी है बच्चों, कि अगर आपको कोई जंगल घूमने का मौका मिले तो आप किस जानवर को देखना ज़्यादा पसंद करेंगे और क्यों, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है।
तो उसकी कुछ विशेषताएं लिखो कि आपको क्यों उसे देखना पसंद है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे सांप और मेंढक एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक और अध्यापिका से बताएं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये चित्र है जिसमें ये मेंढक सांप के चंगुल में फंस गया है और ये सांप है, ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? तो मेंढक कह रहा है, हे भगवान, मुझे बचा लो, कोई मेरी रक्षा करो। तो ये स्नेक जो सांप है वो क्या कह रहा है, अरे अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगा। इस तरह से कोई मजेदार संवाद अपनी कॉपी में लिखिएगा बच्चों। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। नियमित रूप से धोएंगे तो कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि मेरी वर्कशीट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें बच्चों। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।